गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आज बेटा क्वाइट बेटर हूं बेटा, कल के कंपेयर में आज बहुत बेटर हूं। कल हालत बहुत ही खराब थी, आज थोड़ा क्वाइट बेटर हूं। मेडिसिन चल रहा है, आज थोड़ा बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप सब लोग कैसे हो? आज बेटर भूमिका जी, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो फटाफट सब नालायक ऑनलाइन आ जाओ। कहां पे बाकी लोग किधर है? तुझे आज फिर भी बेटर है, कल तो बहुत ही खराब थे, आज फिर भी बेटर है कंडीशन। आज इंप्रूव होने में टाइम लगेगा। आई होप आप सब एकदम अच्छे हो, मजे में एकदम, जोश में एकदम। चलिए और बच्चों सुनो, जो बच्चे कल नहीं थे बिल्कुल घबराने बात नहीं बेटा। कल बहुत से बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं आया था, राइट ना? जिनको भी कल नोटिफिकेशन नहीं आया था बिल्कुल टेंशन मत ले बेटा। कल हमने एक बहुत ही सिंपल टॉपिक शुरू किया था, वो टॉपिक अगर आज भी अगर लेक्चर देखोगे आपको पक्का समझेगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओके, एकदम आराम से चिल मार के देखिए बेटा। चलो बेटा शुरू करते हैं। बेटा मैं अभी भी बताना चाहूंगा डबल टी बच्चों के लिए, बट एग्जाम पोस्टपोन होगी नहीं होगी बेटे सब पे ध्यान मत दीजिए बेटा जी। डबल टी बच्चे पढ़ते रहिए, क्योंकि समझ चल बेटा इससे बच नहीं सकते, बेटा इससे बच नहीं सकते। ये कभी ना कभी बेटा एग्जाम आपको देने, इसको फेस करना है। तुझे बेटा डिमोटिवेट नहीं होना, बेटा पढ़ते रहना बेटा आपको। ये तो बेटा ऑब्वियस है कि एग्जाम अगस्त के एंडिंग में नहीं होगी, बेटा क्लियर है, लेकिन एग्जाम कब होगी यू डोंट नो। ओके बेटा, तो देखो बच्चों जैसे बोलू क्या, जैसे बेटा सीएमए के बड़े इंस्टीट्यूट ने बेटा, अभी आपके सामने एग्जांपल है, सीएमए का जो इंस्टीट्यूट है, सीएमए के बड़े इंस्टीट्यूट ने ये फैसला लिया है कि सीएमए इंस्टीट्यूट सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम ऑनलाइन लेने वाला है। बच्चों के लैपटॉप पे, बच्चों के मोबाइल से, अभी कैसे उनको ही पता बेटा। अगर ऐसा डबल टीम में कुछ अगर ऐसे ऐसे दिमाग लगा, यू नेवर नो एग्जाम सितंबर में हो सकती बेटा। समझा क्या आपको? बस मैं क्या बता रहा हूं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है पढ़ाई रुकने मत देना बेटा जी, पढ़ाई मत देना। क्यों? पता चला कभी बम पड़ गया और एग्जाम एक महीने के बाद आई तो लोड आएगा, ऐसे मत करो बेटा, प्लीज पढ़ते जाओ। बेटा मुझे लगा था कि शायद से टेलीग्राम ग्रुप पे सब बच्चे हैं, इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे बेटा लिंक डाला नहीं। मैंने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलमोस्ट सबको आ जाएगा ऐसे लगा था मुझे। आप सब टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हो क्या? टेलीग्राम कितने बच्चे? 500 लोग टेलीग्राम ग्रुप पे यार। चलो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मतलब बेटा कल का लेक्चर जो मिस हो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी कल बेटा जो मेरा कंडीशन बहुत ही खराब थी, कल मैंने आधा एक घंटा पढ़ाया था, लोड मत लीजिए। चलो बच्चों शुरू करते बेटा। कल से बेटा हमने शुरू किया था चैप्टर लॉजिकल सिक्वेंस टेस्ट। बहुत ही सिंपल आसान टॉपिक है लॉजिकल। मैं बेसिक बताता हूं, जो एक बार जिनको नहीं पता समझ आ जाएगा। इसमें क्या होता है, कुछ पांच नाम, कुछ पांच घटनाएं दी होती और उनका बेटा हमको सीक्वेंस लगाना है। चलो एक काम करते हैं, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ तीन बेटा घटनाएं बताता हूं, तीन बेटा घटनाएं बताता हूं, आप उनका सीक्वेंस लगा के मुझे बताओ। पहला, तीन बच्चों घटना बता रहा हूं, रिजल्ट एग्जाम, रिजल्ट एग्जाम और घर से लात मार के निकालना। रिजल्ट एग्जाम और घर से लात मार के निकालना। बोलो सबसे पहले क्या होगा बताने लायक? बोलो बेटा सबसे पहले क्या होगा? पहले घर से भगाएंगे? नहीं, पहले क्या दोगे? एग्जाम, फिर रिजल्ट आएगा और फिर घर से लात मार के भगा देंगे आपको।
ओके यस और नो बेटा जी, ओके चले समझा बेटा जी, पहले बच्चों क्या होगा एग्जाम, फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपको घर से आपको भगा देंगे अगर पढ़ाई अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो, और पढ़ाई नहीं करोगे नालायक तो, ओके। और अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे बेटा जी राइट ना, तो मस्त आपको एक अच्छा सा नया मोबाइल गिफ्ट करेंगे, एकदम मस्त पता है क्या, घर लाके आरती उतारेंगे, बोले हमारा बच्चा एकदम इस बच्चे ने अच्छा स्कोर किया करके, ओके हाँ एकदम कितने होशियार है, बहुत भारी बहुत भारी। इसमें सब एक्सपर्ट है ना फाल। चले नालायक शुरू करते, तब चलो देखे कल बेटा इस पे अपने 8 क्वेश्चन हो चुके थे, अभी समझा बेटा आपको, बस यही चैप्टर की थीम है, तो जो बच्चे कल नहीं थे बेटा इस चैप्टर में ही पढ़ना अपने को, ओके समझ आ गया। कल मैं ज्यादा मैंने कुछ नहीं पढ़ाया बेटा, कल मैं यही पढ़ाया था मैंने, ओके चलो बेटा। और कल बेटा मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क लिए थे, कल मैंने क्वेश्चन 9 से लेकर 15 बेटा जी, कल 9 से लेकर 15 मैंने ये कुछ तो 6 या 7 क्वेश्चन होमवर्क लिए थे, ट्राई किया क्या शोभा, फटाफट हम चेक करते क्वेश्चन 9 to 15 ये होमवर्क हम लोग चेक करते हैं। आपके नोट्स का चैप्टर नंबर 9 है लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, वॉइस प्रॉब्लम है ये, वॉइस क्लियर है नालायक, अब भाई बेटा वॉइस क्लियर है, आप चाहे तो आपके आके वॉल्यूम बेटा कम कर लो, ओके चलिए काम करते हैं, बैटरी चेक बच्चों, अब देखो बेटा इज एवरीथिंग ओके, अभी देखो अभी साउंड वैसे परफेक्ट है क्या, देख लो यार बाचो नॉइस कहां से आ रहा है यार, क्या पता नॉइस कहां से आ रहा है, क्लियर है क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड। चलो बच्चे लोग मुझे बताओ क्वेश्चन 9 का आंसर बेटा क्या, 9 में क्या दिया जिनको जो कल नहीं थे बता रहा हूं, फ्रॉग ईगल ग्रॉस हॉफर स्नेक ग्रास, इन सबको बेटा लॉजिकल सीक्वेंस लगाना बेटा, कॉमन सेंस की बात है बेटा। पहले बेटा ग्रास, ग्रास पता है बेटा आपको गवत, ग्रास को बेटा कौन खाएगा, ग्रास हॉफर, ग्रास हॉफर पता है बेटा वो नहीं क्या ग्रास के ऊपर जो कीड़े होते हैं बेटा, ग्रास के जो कीड़े होते हैं बेटा जी राइट ना, ओके वो बेटा ग्रास को खाते बेटा, ग्रास को बेटा कौन बेटा खाएगा, ग्रास हॉफर वो कीड़ा बेटा होता है वो ग्रास को खाएगा, ओके उसके बाद वो जो कीड़ा जो ग्रास हॉफर है उसको बेटा कौन खाएगा, फ्रॉग, ओके फ्रॉग जो बेटा ग्रास पे घूमता रहता है बेटा फ्रॉग, ग्रास को खाएगा ग्रास ऑफर, ग्रास ऑफर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग पता ना बेटा आपको मेंढक, फिर जो मेंढक है बेटा मेंढक को कौन खाएगा, स्नेक, उसको कौन खाएगा, स्नेक, और जो स्नेक है उसे कौन खाएगा, आसमान में उड़ता ईगल आके उसे खा जाएगा, ओके बेटा मतलब बच्चों हर एक से एक बड़ा शेर होता बेटा, शेर के लिए एक सवा शेर होता बेटा, वैसे ग्रास के लिए सवा शेर कौन है, ग्रास ऑफर, ग्रास ऑफर से भी बड़ा शेर कौन है, फ्रॉग, फ्रॉग से बड़ा शेर कौन है, स्नेक, उससे बड़ा कौन है, ईगल, सीक्वेंस क्या पहले ग्रॉस 5 फिर ग्रॉस मतलब 3 फिर फ्रॉग मतलब 1 फिर स्नेक मतलब 4 ईगल मतलब 2 5 3 1 4 2 5 3 1 4 2 ऑप्शन कौन सा आ रहा है सी, कितना चिल्लर है रे सबको झेपा क्या बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हनी फ्लावर बी वैक्स, हनी फ्लावर बी और वैक्स,
बोले बेटा सीक्वेंस क्या आएगा? क्या बात है, पहले बच्चों फूल, ओके बेटा, फिर फूल पे बेटा भंवरा आएगा, बी हनी बी, ओके हनी बी बताना बेटा आपको, ओके पहले फूल आएगा, फिर फूल पे आया भंवरा, ओके बी, फिर भंवरा बेटा क्या करेगा, उसमें से पता है क्या, उसमें जो हनी है वो चूसेगा बेटा, राइट ना, भंवरा बेटा उसमें से हनी चूसेगा बेटा, राइट ना, और उसके बाद में वो जो हनी है ना बेटा, ओके वो हनी बेटा, हनी बी अपना क्या बना, वो क्या होता है हनी बी का घोंसला, अगर क्या बोलते हैं बेटा, समझा क्या बेटा, ओके उसमें क्या मिलता है बेटा, अपने को वैक्स मिलता है बेटा, क्या बेटा मिलता है, वैक्स मिलता है बेटा जी, राइट ना बेटा, ओके 2 3 1 4 ऑप्शन सी आ रहा है बेटा, पहले बेटा फूल, फूल पे बेटा भौरा बैठेगा, भौरा उसमें से बेटा हनी की, भौरा बेटा उसमें से जूस खींचेगा बेटा, राइट ना, फिर उससे बेटा अपना क्या बनाएगा, वो घोंसला बना था उसमें हनी बनाएगा बेटा, और बाद में उससे क्या, बाद में क्या निकलेगा उससे, वैक्स मिलता है उससे, ओके ये सबको पता होना चाहिए बेसिक चीजें। क्वेश्चन 11, साइट प्लान रेंट मनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बोलो क्या होगा, इलेवन का डीआर है, ओके सबका डीआर लगा बेटा, यस बच्चों पहले बेटा अपना पैसा आएगा, फिर पैसे से हम लोग बच्चों एक साइट लेंगे, पहले बड़ा पैसा आएगा बेटा, फिर पैसे से बेटा हम लोग बच्चों पहले बेटा क्या पैसा आएगा, पैसे से बेटा हम लोग साइट मतलब जगह लेंगे बेटा, फिर इस जगह के पे काम करना बेटा, काम करने के लिए हम प्लान बनाएंगे, पहले पैसा आएगा, अरे पैसे के बिना कहां से घर बनाएंगे बेटा, पहले पैसा आएगा, फिर जगह लेंगे, पहले जगह साइट जगह लेंगे, घर बनाना भी उसके लिए प्लान बनाया बेटा, राइट ना, प्लान तो बन गया, फिर प्लान के बाद ओके बेटा फिर घर बनाना शुरू करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करने के बाद बिल्डिंग बनेगा बेटा जी, क्या बनेगा बेटा बिल्डिंग, फिर जो बिल्डिंग बनेगी उसको हम लोग रेंट पे देंगे, बिल्डिंग बनेगी उसको रेंट पे लेंगे, समझा बेटा जी, पहले पैसा आएगा, पैसे से क्या बने लेंगे, साइट लेंगे, जगह लेंगे, जगह के ऊपर प्लान बनाएंगे, फिर प्लान के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे बेटा, उससे बिल्डिंग बनेगी और बिल्डिंग को रेंट पे देंगे। 4 1 2 6 5 3 ऑप्शन डी आ रहा है क्या, यस और नो, सबको झेप रहा है क्या बेटा, हा याद ना, सभी से कंफर्टेबल है, गुड। अब क्वेश्चन नंबर 12, चुना लायक फटाफट क्वेश्चन 12 देखिए, रीडिंग कंपोजिंग राइटिंग प्रिंटिंग, रीडिंग कंपोजिंग राइटिंग प्रिंटिंग, कुछ लोग बोल रहे हैं इसका ए, कुछ लोग सी, कुछ लोग डी, क्या कर रहे हो, पहले बेटा हम लोग बोलो क्या बेटा, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले बेटा हम लोग एक मिनट, वन मिनट, कंपोजिंग बीच में आ रहा है, कंपोजिंग बीच में आ रहा है, राइटिंग के बाद तो प्रिंटिंग आएगा उसके बाद, या फिर बेटा उसको बेटा सुनो मैं बोलू क्या, इसको तो ऐसे करते थे, पहले बेटा हम क्या करें बताया, पहले हम क्या करें बच्चों, क्या पहले बेटा हम लोग ना कंपोज करेंगे, ओके जैसे बच्चों को फिर से बता, देखो बच्चों क्या करेंगे, अज्यूम करो बेटा आपने एक पोएम लिख रहे हो बेटा, पोएम, या फिर बेटा आपने बताया कि एक धुन बनाए बेटा, पहले धुन को कंपोज करेंगे, ओके फिर उसे हम लोग कंपोज के बाद ना उसको हम लोग लिखेंगे, राइट करेंगे, लिखने के बाद उसका प्रिंट निकालेंगे, और प्रिंट निकालने के बाद उसे चेक करने के लिए रीड करेंगे, रीड बेटा बाद में करेंगे, पहले हम क्या करेंगे एक धुन बनाए कंपोज करेंगे, फिर उसे लिखेंगे कागज पे, लिखने के बाद उसका प्रिंट निकालेंगे, ओके बेटा, उसके बाद बेटा जी बाद में उसे क्या करेंगे रीड करेंगे, अरे या फिर जो मतलब कागज पे लिख रहे हैं बेटा राइटिंग मतलब या टाइपिंग करो बेटा जी, फिर उसका प्रिंट निकालेंगे बेटा, और प्रिंटिंग करने के बाद उसका क्या करेंगे रीड कर पढ़ेंगे, तो सीक्वेंस 2 3 4 1 ऑप्शन बी ज्यादा बेटर है बेटा, 2 3 4 1
थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था बेटा, लेकिन ऑप्शन बी के एंगल से सोचो ज्यादा बेटर रहेगा बेटा, बी के एंगल से। ओके, ऑप्शन बी इज बेटर ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन 13, सेंटेंस, चैप्टर, लेटर, बुक, वर्ड, पैराग्राफ। बहुत सिंपल है, सबसे पहले बेटा एक लेटर आएगा, फिर लेटर से क्या बनेगा वर्ड, लेटर से क्या बनेगा वर्ड, फिर बहुत सारे वर्ड से बनेगा आपका सेंटेंस, अलग अलग वर्ड से क्या बनेगा सेंटेंस, फिर अलग अलग सेंटेंस से क्या बनेगा पैराग्राफ, क्या बनेगा बच्चों पैराग्राफ, फिर बहुत सारे पैराग्राफ से बनेगा आपका चैप्टर, और बहुत सारे चैप्टर से बनेगा आपका बुक। समझा बेटा, पहले एक लेटर आएगा, ऐसे बहुत सारे लेटर मिला के बेटा वर्ड बनेगा, बहुत सारे वर्ड से बनेगा आपका सेंटेंस बनेगा बेटा, फिर सभी सेंटेंस से क्या बनेगा आपका पैराग्राफ बनेगा, फिर पैराग्राफ से क्या बनेगा आपका चैप्टर, और चैप्टर से बनेगा आपका बुक। समझ में आ रहा है क्या बेटा, लॉजिकली करो। क्या हुआ शिवानी? शिवानी वही तो बताया बेटा मैंने, पहले हम कंपोज करेंगे, फिर राइट, फिर प्रिंट, फिर वही तो बताया शिवानी, वही तो बताया शिवानी जी। चलो क्वेश्चन 13 का 351624 35। अरे क्या हो रहा है, लेटर लास्ट में कहां से आ गया? ओके, उल्टा दिया क्या उन्होंने? उल्टा दिया बेटा, उन्होंने उल्टा दिया सीक्वेंस, उल्टा दिया उन्होंने, क्या किया बड़े से छोटा क्या बेटा, बड़े से छोटा, तो क्या होगा उल्टा जाओ, 4 2 6 1 5 3, 4 2 6 5, ऑप्शन बी आता बेटा। एक तो बेटा छोटे से बड़ा करो या बड़े से छोटा, ये तो आप लेटर से बेटा बुक की तरफ जाओ या बुक से बेटा क्या करो लेटर की तरफ जाओ बेटा। समझा क्या, उन्हें उल्टा किया, रिवर्स ऑर्डर में किया, कोई दिक्कत बेटा। अब नालायक ऑप्शन भी उल्टा प्रिंट है, सच्ची ना नालायक ऑप्शन उल्टा प्रिंट है बेटा जी, उन्होंने मतलब बताया क्या रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, कुछ भी बोलता उल्टा प्रिंट हुआ है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है ना, लिखने का तरीका क्या है, छोटे से बड़ा लिख या बड़े से छोटा लिख, समझा क्या। क्वेश्चन 14, ओके 14, कट, पुट ऑन, मार्क, मेजर, टेलर। बेटा जी अरे कपड़ों कल दिया बेटा बच्चों, कोई भी दर्जी, कोई भी टेलर बच्चों पहले क्या करेगा, कपड़ों का नाप लेगा, पहले मेजर करेगा बेटा, पहले कपड़ों नाप लेगा, मेजर करने के बाद में उससे बेटा मार्किंग करेगा बच्चों, पहले मेजर करेगा बेटा ना बच्चों, बाद में क्या करेगा मार्क करेगा। ओके मार्क करेगा, गला कहां पर होना चाहिए, हाथ कहां पर होना चाहिए, मार्क करेगा बेटा। मार्किंग करने के बाद में वैसे बच्चों कपड़े को बेटा ऐसे कट करेगा, कट करने के बाद में उसे बेटा स्टिच, टेलर मतलब क्या है, टेलर का मतलब क्या होता है, कपड़े सिएगा बेटा, कपड़े सिएगा, और सीने का पुट ऑन मतलब फिर उसको बेटा मतलब जो भी इंसान उसे पहनेगा, पुट ऑन मतलब पहनेगा। पहले बच्चों मेजर करेंगे, ओके उसके बेटा उसके बाद या बेटा उसके ऊपर कपड़ों पे मार्किंग करेंगे बेटा, मार्किंग के बाद ऐसे कट करेंगे, कट करने के बाद स्टिचिंग करना बेटा, ओके सुई धागे स्टिचिंग करना बेटा, उसे टेलर बोलते बेटा, और बाद में कपड़ा बनने के बाद में उसे पुट ऑन करेंगे, उसे आदमी को पहनाएंगे बेटा। ऑप्शन डी आएगा इसका, सबको छेप रहा है, एकदम सिंपल है, एकदम चिल मारो। क्वेश्चन 15, पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जस्टिस, जजमेंट, बोलो क्या है? आराम से देखो, सबसे पहले बेटा गुनाह करोगे, अज्यूम करो ये ऋतुजा बहुत नालायक है, ओके ऋतुजा क्या करती है, किसे मर्डर कर देती है बेटा, मर्डर करती है, ओके। अब बेटा क्या होता है,
गुनाह कर दिया, ऐसे मर्डर कर दिया, पहले गुनाह किया, मर्डर किया, अब मर्डर के बाद अभी कौन आएगा, पुलिस आएंगे पकड़ेंगे उसको, नालायक चल जेल में पकड़ेंगे, अब क्या होगा, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, अब बेटा क्या होगा, पुलिस ने उसको पकड़ने के बाद में, अब बेटा यहां पे पुलिस ने उसको पकड़ने के बाद में, उसके बाद में हम उसे पनिशमेंट देंगे, बेटा मेरे इसका सी कैसे आएगा, नालायक सी कैसे आएगा, जस्टिस पहले कैसे मिलेगा बेटा, जस्टिस तो बाद में होता है बेटा, देखो पहले बेटा क्या होगा, पहले गुनाह करेंगे, पहले गुनाह के बाद उसे पुलिस पकड़ लेके जाए बेटा, राइट ना बेटा जी, बाद में बच्चों से हम लोग पनिश करेंगे, पहले पनिश करेंगे, ओके बेटा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, लेट मी चेक, एक मिनट रुक जाओ, जस्टिस ठीक है, मतलब जस्टिस का बेटा एक्चुअल में क्या, जस्टिस मतलब बेटा क्या होता है कि आपको, मतलब क्या होता है कि जस्टिस मतलब क्या होता है यार, कि मतलब गुनहगार को सजा मिलना बेटा, और जिसके ऊपर जुल्म हुआ बेटा उसको मतलब अच्छा लगना, समझा बेटा आपको, एक्चुअली जस्टिस मतलब क्या होता है, वो पनिशमेंट सबके बाद मिलता है जस्टिस बेटा जी, एक्चुअल मेरे समझ जस्टिस बेटा लास्ट में होता बेटा, जस्टिस मतलब यार जब तक मुझे होता गुनहगार को सजा नहीं मिलेगी, जब तक जज अपना जजमेंट नहीं सुनाएगा, चलो कोर्ट जजमेंट नहीं सुनाएगा, तब जस्टिस कैसे मिलेगा बेटा, जस्टिस बेटा बेटा बाद में होगा बेटा जी, पहले क्राइम, फिर क्राइम के पुलिस आएगी बेटा, पुलिस बेटा आने के बाद में, पुलिस बेटा आने के बाद में ठीक है, हम उसे जस्टिस यहां पे दिलाने की वैसे कोशिश, हम ऐसे बोलेंगे हम जस्टिस दिला रहे, ऐसे बोलो बेटा, अंडरगोइंग प्रोसेस है, जस्टिस दिलाने के बाद में जस्टिस मतलब उसको कोर्ट में पेश करेंगे बेटा जी, फिर कोर्ट अपना जजमेंट सुनाएगा, और बाद में उससे क्या करें हम लोग, पनिशमेंट देंगे, पर मेरा ऐसा है बेटा पनिशमेंट मिलने के बाद ही जस्टिस होता बेटा, ओके वही वही जज का, अरे बेटा जज अलग है जस्टिस बेटा अलग होता है, समझा के बेटा, छोड़ दो अभी लोड मत, तो इतना चिल मारो इतना, यस यस बेटा मैं जज के सेंस में बोल रहा, कोई दिक्कत लिया मैंने, ओके ठीक है, चलो बेटा जी क्वेश्चन 16 आ रहा है क्या, 15 तक होमवर्क अभी क्लियर है बेटा जी, होमवर्क क्लियर 15 तक का, अब क्वेश्चन 16 पढ़ो, इतना आराम से पढ़ो वर्ष 16 को बेटा, अरे पढ़ तो नालायक, सबका यार है बेटा, देखो बच्चों पहले कंट्री, बेटा कंट्री के बेटा अंदर, अभी यहां पे बड़े से छोटा आ रहा बेटा, कंट्री के अंदर बेटा क्या होता है, कंट्री के अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट होंगे बेटा, कंट्री के बेटा अंदर बच्चों क्या होगा, फॉरेस्ट होगा बेटा, कंट्री के बच्चों अंदर बेटा क्या होगा, फॉरेस्ट होगा बेटा, ओके बस एक मिनट, चलो बच्चों हम लोग कहां पे थे बेटा, पहले बच्चों कंट्री बेटा होगा बेटा, राइट ना बेटा, देखो बच्चों अभी कंट्री बेटा पहले होगा बेटा, कंट्री के बेटा अंदर बच्चों देखो कंट्री में बहुत सारे बेटा क्या फॉरेस्ट होंगे बेटा जी, राइट ना, फिर फॉरेस्ट में बच्चों क्या होता है, फॉरेस्ट में बेटा झाड़ होते, ट्रीज होते बेटा, फिर ट्रीज से हमें क्या मिलेगा, वुड, ट्रीज से क्या मिलेगा, वुड, और वुड से क्या बनेगा, फर्नीचर, तो 13542 ऑप्शन ए, ओके जीपा, कंट्री के अंदर बच्चों होंगे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से होते में ट्री, ट्री से मिलता है वुड, और वुड से बनता है फर्नीचर, 17 यहां पे साइज के हिसाब से देखना पड़ेगा, एलिफेंट, कैट, मॉस्किटो, टाइगर, व्हेल, सबसे छोटा क्या होता है, मॉस्किटो, मॉस्किटो से बड़ा क्या होता है, पहले मच्छर छोटा, मच्छर से बड़ा क्या होता है, कैट, कैट से बड़ा क्या होता है, टाइगर, टाइगर से बड़ा क्या होता है, एलिफेंट, और उससे भी बड़ा क्या होता है, व्हेल, 17 का सी आ रहा बेटा,
पहले छोटा मच्छर बहुत छोटा होता है, मच्छर से बड़ा क्या होता है बिल्ली कैट, बिल्ली से बड़ा क्या होता है शेर टाइगर, ओके बेटा, टाइगर से बेटा बड़ा क्या होता है एलिफेंट, एलिफेंट से बड़ा क्या होता है व्हेल, 3, 2, 4 और 5 कितना चिल्लर यार यार, ऐसा पहले छोटे बच्चों के समय ना नर्सरी में ऐसे कहते होंगे बेटा, हाँ कि नहीं बेटा, नर्सरी की याद आएगी बेटा आपको, नर्सरी में ऐसे करते हैं आप लोग। क्वेश्चन 18, मैं टीचर नहीं कैसे डायग्राम देते थे इन लोग जग इन पता का डायग्राम को बताया क्या यहां पे प्रॉपर सीक्वेंस अरेंज करो, टीचर बोलते थे बेटा वैसे फील आ रहा होगा आप लोगों को। 18, की डोर लॉक रूम स्विच ऑन, पहले चाबी लेंगे, अब बताओ चाबी लेके पहले दरवाजे के पास जाएंगे या लॉक के पास, दरवाजा खोलेंगे लॉक, पहले चाबी हाथ में आएगी, चाबी से पहले लॉक खोलेंगे बेटा, फिर लॉक से क्या खुलेगा दरवाजा, पहले चाबी लिया, चाबी से हमने क्या खुला बेटा लॉक, लॉक से क्या खुलेगा दरवाजा, फिर दरवाजे के बाद हम रूम में जाएंगे, रूम में जाने के बाद स्विच क्या करेंगे ऑन, पहले चाबी, चाबी से हम जाएंगे लॉक के पास, लॉक से हम लोग दरवाजा खोलेंगे, दरवाजे के बाद बच्चों क्या होगा रूम में जाएंगे, रूम में जाने के बाद हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा 1, 3, 2, 4, 5, 1, 3, 2, 4, 5 ऑप्शन बी आ रहा है क्या, यस और नो बच्चा लोग, सबको झेप रहा है क्या, अब क्वेश्चन 19, एकदम फुल फॉर्म है सब लोग, पहले बेटा जंगल, जंगल में क्या होता है सर, जंगल में होते झाड़, झाड़ों से क्या टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी होते बेटा, जंगल में बेटा बहुत सारे पेड़ होते, उन पेड़ से क्या मिलते लकड़ी टिम्बर, फिर लकड़ी से बेटा क्या होगा सर जी, लकड़ी का जो होता है ना उसका पल्प निकालेंगे, जो लकड़ी होते ना लकड़ी का क्या निकालेंगे पल्प, ओके लकड़ी को निचोड़ेंगे, लकड़ी को निचोड़ेंगे बेटा उसे पल्प बनता है बेटा, लिक्विड होता है, और इस पल्प से क्या बनेगा पेपर, और पेपर से क्या बनता है बुक, ओके बेटा, पर आप जो बुक पढ़ नालायक वो बुक बनाने के लिए जंगल तोड़ेंगे, कुछ शर्म करो, पढ़ना बंद करो, जंगल नहीं तोड़ेंगे बेटा सर, हम तो चाहते जो उल्टा पढ़ना बंद ही करना चाहते हम लोग सर, जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है सर हम लोगों को, जंगल से क्या मिलेगा टिम्बर लकड़ी मिलेगी, लकड़ी को निचोड़ के क्या मिलेगा पल्प बनेगा, पल्प से क्या बनेगा पेपर, और पेपर से बनता है बुक, 4, 3, 2, 5, 1 ऑप्शन कौन सा आ रहा है सी। क्वेश्चन 20, पहले चाइल्ड छोटा बच्चा, छोटा बच्चा स्कूल में जाएगा, स्कूल के बाद कॉलेज में जाएगा, कॉलेज के बाद उसको जॉब लगता है, ऐसी गलतफहमी है, सैलरी मिलेगी उसको बेटा, सैलरी मिलने पहले वो छोटा बच्चा था चाइल्ड, फिर स्कूल में गया, स्कूल के बाद वो कॉलेज में गया, कॉलेज के बाद उसको जॉब लगेगा एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद सैलरी क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी 2, 4, 1, 5, 3 ओके, ऑप्शन बी आ रहा है क्या, एकदम चिल एकदम इजी लग रहा है ओके। अब क्वेश्चन 21, अरेंज द वर्ड्स इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस, अरे सेम क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ये सेम क्वेश्चन लग रहा है क्या, अरे रिपीट हुए क्वेश्चन, अरे हुआ ना 21 अभी तो हुआ था, की फिर लॉक खोला, दरवाजा खोला, रूम में गए 1, 3, 2, 4, 5 ऑप्शन सी, ये भी रिपीट हुआ है, क्वेश्चन 22 भी रिपीट हुआ बेटा जी, 22 भी रिपीट हुआ ना, लेटर, लेटर से बनता है वर्ड, वर्ड से बनता है बेटा सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से बनता है नहीं सॉरी एक मिनट रुको, पहले लेटर, लेटर से बनता है बेटा वर्ड,
वर्ड से बनता है सेंटेंस, सेंटेंस से बनता है फ्रेज और फ्रेज से बनता है पैराग्राफ। 4135 तो ऑप्शन बी आता है, एकदम इजी है। 23 ये भी हो गया था बेटा, तो बस आंसर तो बताओ ना, जो आंसर थोड़ा बताया 23 का आंसर बताओ क्या, 23 का आंसर क्या रहा है? और सुनो बच्चा लोग, अब बेटा मुझे आता अभी तक जितने चैप्टर हो चुके, जितने चैप्टर हो चुके बेटा उसका आंसर के मेंटेन के बेटा काम कर रहा है बेटा। अभी बुक तो बेटा मिला होगा, बुक के बेटा हर चैप्टर पीछे आंसर किए ना बेटा, 1 2 3 बेटा एक काम कर रहा है यार, अगर किसी बड़ा आंसर की फिलअप क्या होगा मुझे पूरा नहीं चाहिए, आंसर फिलअप क्या सिर्फ आंसर की का फोटो मुझे भेजेंगे चलेगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे बेटा, जिसमें भेजना बेटा बेटा मेरा चैप्टर का नाम और फिर उसका जो आंसर की का फोटो बेटा, ऐसा है ना आंसर एंड में बेटा 1 2 3 ऐसा आंसर की देना बेटा, बस वो आंसर की फिलअप करके भेजो। जितने चैप्टर बेटा हो चुके उतने उतना आंसर की मैं उसका मतलब वो क्या था आगे के बैचेस के लिए देना ईजी पड़ेगा मेरे लिए। 23 का बच्चों डी आ रहा है, क्या बात है, 23 का डी आ रहा है, गुड। 24 में रिपीट है बेटा जी, 24 का बोलो क्या आंसर, 24 का आंसर क्या रहा है? मेंबर, मेंबर से बनता है फैमिली, हमने कल कहते ना मेंबर से बनेगा फैमिली, फैमिली से बेटा बनता है, फैमिली से बेटा मेंबर से बनता है फैमिली, फैमिली से बेटा बनता है उसका एरिया लोकेलिटी, लोकेलिटी से बनता है उसका कम्युनिटी, उससे बनता है कंट्री, हमने कल कहते ना 31425। 24 का सी आता बेटा, 24 का सी आता बेटा, पहले एक मेंबर, मेंबर से उसकी फैमिली बनती है बेटा, ऐसे बहुत सारे फैमिली एक एरिया में रहते हैं उनकी लोकेलिटी होती है बेटा, ऐसे बहुत सारे लोकेलिटी से बनता है अपना कम्युनिटी, समाज बनता है बेटा, और समाज से क्या बनेगा देश, कंट्री बनता है बेटा। अब 25 जिनका बेटा आंसर की रेडी होगा तो भेजो, नहीं होगा तो बेटा कल परसों भेजा दो तो चलेगा आंसर की। पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसीज, जिसका सी आ रहा है, पहले पॉपुलेशन बढ़ेगी, पहले पॉपुलेशन बढ़ने से बेटा क्या होगा, जब इतने लोग हो जाएंगे बेटा सबको जॉब नहीं मिलेगा बेटा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा बेटा, पॉपुलेशन बहुत बढ़ेगी उससे बेटा क्या सबको जॉब नहीं मिलेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा बच्चों। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से बेटा क्या होगा, फिर लोग गरीब हो जाएंगे बेटा, गरीब होने से बेटा फिर बच्चों लोग बेटा क्या होंगे, बीमार होंगे, गरीब हो गए तो यार बहुत सारी बीमारी बेटा हो सकती है बेटा, और बीमार होने के बाद बच्चा डेथ भी हो सकती है बेटा जी आपकी, राइट ना बेटा। 2415 सही है, ऑप्शन सी सही है। 26 ये बेटा मतलब झाड़ के बेटा सब पार्ट से, जब बेटा कोई भी बेटा पेड़ आप लगाते हो बेटा सबसे पहले बेटा देखो, अगर बेटा कोई भी बीज आपने बोया, कोई बच्चों बीज आपने बोया बेटा, बीज जब बोते बेटा, बीज से बेटा पहले बच्चों देखो उसको रूट निकलते बेटा, जब कोई बीज बेटा बोते हो बेटा सबसे पहले उसको रूट निकलते बेटा, रूट ओके बेटा जड़े, फिर बच्चों रूट के बेटा उसका स्टेम, बच्चों पहले क्या होगा रूट्स आएंगे ओके बेटा, रूट के बच्चों देखो उसको स्टेम, स्टेम पता है बेटा आपको, स्टेम मतलब बेटा झाड़ का जो होता है ना बीच वाला पोर्शन, स्टेम बोलते बेटा जी, फिर बेटा उस पर स्टेम बेटा है, सॉरी पहले बेटा बीज बोएंगे उस पर बेटा रूट आएगा बेटा, जड़े आएंगी जब बच्चे उस पर स्टेम ओके बेटा, स्टेम आएगा ओके, उसके बाद बेटा स्टेम जो होगा बेटा उस स्टेम पे बेटा जी, स्टेम पे यहां पे, यहां पे बेटा उसके ऊपर बेटा उस पर बेटा जी पत्ते आएंगे बेटा, स्टेम पे पत्ते आएंगे बेटा जी, राइट ना, लीफ पत्ते आएंगे, और फिर पत्तों के बाद बेटा जी देखो उस पर बेटा फूल आएंगे बेटा, और फूल कर उसके ऊपर फल आएंगे बेटा जी। पहले बेटा हम लोग किसी भी बीज बोएंगे, पहले बच्चों क्या होता है रूट ओके,
उसकी जड़ें उगेंगी, उसके बच्चों उसका स्टेम, मतलब उसका स्टेम उगना शुरू होगा बेटा, फिर स्टेम पे क्या आएंगे पत्ते लगेंगे, पत्तों में उस पर बेटा फूल लगे बेटा, और फूल से बेटा क्या बनता है फल बनता है बेटा, ऑप्शन बी आता है। 26 का बी आ रहा है, गुड। 27 दीजिए, पहले बच्चों क्या होगा, विलेज गांव, बच्चों गांव से बड़ा क्या होता है सिटी, गांव से बड़ा क्या होता है सिटी, ऐसे बहुत सारे सिटी मिला के डिस्ट्रिक्ट जिला बनता बेटा गांव, गांव से बड़ा क्या होता है सिटी शहर, ऐसे बहुत सारे शहर मिला के बेटा डिस्ट्रिक्ट बनता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिला के क्या बनेगा स्टेट, और बहुत सारे स्टेट मिला के क्या बनेगा नेशन। 2, 3, 4, 5, 1 ऑप्शन ए। स्पीड ठीक है यार, पक्का सबको जम रहा है। अब क्वेश्चन 28, इन सबको मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाओ। एक क्लैन क्या होता है गूगल पे देखो, एक क्लैन क्या होता है, देखो बेटा 28, अबे शाम नालायक मूवीज का नाम मत ले, एक काम को 28 को बेटा 28 को देखो आराम से, देखो 28 में क्या है, हाँ वो समझा मैंने देखा बेटा, बेटा देखो इसका बता मीनिंग बेटा ऐसा ले सकते हैं बेटा, ऑप्शन बेटा देखो सी से बेटा लगाएंगे ना बेटा, देखो बच्चों देखो देखो बच्चों सिंपल बात है, एक बेटा सबसे पहले को एक न्यूली मैरिड कपल है बेटा, मतलब अज्यूम कर बच्चों दो लोग है, पहले दो लोग बेटा आगे मैरिड कपल है बेटा, हस्बैंड वाइफ साथ में आते बेटा, फिर बेटा उनकी फैमिली बनती है बेटा जी, पहले मैरिड कपल साथ में आ गया बेटा, फिर फैमिली बनेगी बेटा जी, बेटा पापा मम्मी बच्चा बच्ची अंकल आंटी बेटा ऐसे बनेंगे बेटा, फिर बेटा देखो ये जो फैमिली के लोग है बेटा राइट ना, इन सबका बेटा कास्ट बने, इन सबका बच्चों क्या कास्ट बनेगा, ऐसे बेटा अलग अलग क्लास के मिला के बेटा बच्चों क्या बता है, अलग अलग बच्चों क्लास के मिला के बेटा जो अलग अलग क्लास मिला क्लान बनता, क्लान मतलब बच्चों देखो कि यहां पे बेटा क्लान का बेटा मतलब यहां पे क्या रहेगा, अलग अलग जमाती के लोग बेटा, मतलब एकदम क्लोज रिलेटेड जमाती बेटा, समझा क्लोज ट्राइब्स बेटा, ट्राइब मतलब पता ना बेटा, ट्राइब मतलब बेटा क्या होगा जमाती बेटा, मतलब बच्चों पहले बेटा एक छोटे से मतलब एक हस्बैंड वाइफ आएगा बेटा, उनसे बेटा फैमिली बेटा बनेगी, उनसे बड़ा फैमिली होता बेटा, फैमिली से बड़ा बेटा आपका कास्ट होता बेटा, और ऐसे कास्ट के रिलेटेड लोग मिला के वैसे कास्ट के बेटा रिलेटेड लोग मिला के बेटा क्या बनेगा आपका क्लान बनेगा, और इसे अलग अलग क्लान से मिला के आपका स्पीसी मतलब आपका इंसान नाम का स्पीसी बनता बेटा, ओके इंसान की स्पीसी उनसे बड़ी होती है बेटा जी। 3, 2, 1, 4, 5 ऑप्शन सी आता बेटा, सी होगा शायद से बेटा, सी होगा, अगर इसको उल्टे जाएंगे बेटा देखो उल्टा देखो ना, स्पीसी मतलब बेटा देखो इंसान, स्पीसी एक मतलब बताया क्या एक जानवर टाइप बेटा, जैसे बताया क्या शेर जानवर है बेटा वैसे इंसान है जानवर है बेटा, ओके इंसान एक स्पीसीज है बेटा, ऐसे पहले इंसान बहुत सारे इंसान है,
फिर बच्चों इंसानों के बेटा अंदर, बेटा अलग अलग बेटा इंसानों बेटा अंदर बताया क्या बच्चों, अलग अलग बच्चों क्या जनरेशन बोलो बताया क्या बच्चों, अलग अलग बताया क्या बेटा यहाँ पे ट्राइब बने बेटा, बेटा पहले इंसान बट आए, इंसान का बहुत बड़ा ग्रुप है बेटा, उनमें अलग ट्राइब बने बेटा, फिर बेटा उस ट्राइब में बेटा अलग अलग कास्ट के लोग थे बेटा, उस कास्ट में कुछ फैमिली थे बेटा, और फैमिली में बेटा कुछ बेटा क्या थे कपल थे बेटा, सबसे बड़ा बेटा कौन है अपना स्पीसीज है, इंसानों का स्पीसीज, उनमें बेटा अलग अलग टाइप के बेटा ट्राइब्स है बेटा, उन ट्राइब में बेटा अलग अलग बेटा कास्ट के लोग है, उस कास्ट में अलग अलग फैमिली, और फैमिली में बेटा कौन है कपल से बेटा, ओके ऐसे उनको छोटे से बड़ा बच्चों लगाएंगे तो ऑप्शन बेटा सी आता है, छोटे से बड़ा करेंगे बेटा तो सी आता है, ओके क्लियर है सबको यार। क्वेश्चन 29 रिपीट हुआ बेटा, अभी हमने क्या क्वेश्चन 29 रिपीट हुआ है, पहले बच्चों हम लोग मेजर करेंगे, फिर बच्चों मेजर के हिसाब से बच्चों वैसे बेटा माप नाप लेंगे कपड़े का बेटा, पहले नाप लेंगे बेटा, फिर मार्किंग करेंगे, मार्किंग के हिसाब से बेटा कट करेंगे, कट करेंगे उसे टेल स्टिच करेंगे बेटा, और उसे फिर पुट ऑन करेंगे, हमने क्या था अभी 431 सॉरी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 30 सबसे छोटा रूम, अलग अलग रूम, रूम से बड़ा बेटा क्या होता है घर, घर से बड़ा बेटा क्या होता है स्ट्रीट रास्ता, रस्तों से बड़ा बेटा क्या होता है टाउन, और टाउन से बड़ा क्या डिस्ट्रिक्ट, पहले बेटा रूम आएगा, रूम से क्या बनता है हाउस, हाउस से बेटा बनता है अलग एक स्ट्रीट बनता है बेटा, स्ट्रीट से बेटा क्या बनता है टाउन, और टाउन से क्या डिस्ट्रिक्ट बनेगा, 3 1 2 4 ऑप्शन सी आ रहा है क्या। चलो बच्चा लोग इतना समझा बेटा जी, अभी इसके ऊपर मैं आज का होमवर्क दू, अभी ये चैप्टर पूरा समझना है बेटा जी, यस और नो थीम समझी, तो बच्चों 31 से मेरा होमवर्क दे रहा मैं आपको, 31 से लेकर 30 कित कहा था क्वेश्चन इस पे 48 तक है बेटा, चलो 31 से बेटा 48 बेटा 18 क्वेश्चन करो बेटा, तो कल बच्चों 18 बेटा क्वेश्चन खत्म करो राइट, 18 क्वेश्चन बेटा खत्म करो, और कल ये 18 क्वेश्चन हम फटाफट बेटा हम डिस्कस करते, और उसके बाद हम कल से नया टॉपिक भी शुरू करते, ठीक है। चलो बेटा टाटा बाय बाय, आज भी पढ़ते, इतना समझा बेटा सबको, चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ रहा है बेटा, 31 to 48 इतने क्वेश्चन आप लोग खत्म कीजिए, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर बेटा जी, ख्याल रखो अपना।